उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आज शासकीय महाविद्यालय बड़वा का औचक निरीक्षण किया। महाविद्यालय प्राचार्य सुश्री ठाकुर ने पुष्प गुच्छ देकर उनका महाविद्यालय की ओर से आत्मीय स्वागत किया। श्री यादव ने महाविद्यालय में हो रहे नव निर्माण का भी निरीक्षण किया और पूर्व जन भागीदारी समिति पदाधिकारियों से भी चर्चा की। समिति की ओर से भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर ने मंत्री श्री यादव से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित पत्र भी सौंपा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान यादव ने बताया कि वर्तमान में सभी महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा कर रहे हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता महसूस होती है वहाँ समय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा नगर कार्यकारिणी पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, जितेंद्र सुराणा, रोमेश विजयवर्गीय, रज्जू मामा, सुरेंद्र पंड्या सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। जानकारी के लिए हाथ पीछा करो, स्पष्ट हो गया है कि हमारे पास पीजी और यूजी के फाइनल ईयर में सभी बच्चों की परीक्षा होगी और परीक्षा का पैटर्न भी बता दिया। परीक्षा का पैटर्न ओपन बुक परीक्षा होगी। आप अपने घर पे क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, घर से अपनी कापी में भर करके आपको नज़दीक के 7000 सेंटर कॉलेज प्लस हायर सेकेंडरी स्कूल ये सब हमने अलाउ किए कि जहाँ नज़दीक का सेंटर है वहाँ वो अपनी कापी जमा करा दे। और कापी जमा कराने का जो बात का मूल्यांकन है वो तरीका भी बता दिया है। कुल मिलाकर के सितंबर में हम अपने एग्ज़ाम करा लेंगे, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएंगे और 1 नवंबर से नया सत्र चालू होगा। और इसमें भी जो हमारे को UGC गाइडलाइन मिली कि हम अपने 2 साल के जो बच्चे जिनने परीक्षा फाइनल की दी है, मान लो उसने घर में बैठ के अपनी कापी से 100 में से 90 नंबर भी लिया है तो 50-50 के फार्मूले का हमने इसको मैनेज किया। 50% वो मार्क्स जो उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मिले उसी एवरेज में 50% मार्क्स, मान लो 90 है तो उसके 45 नंबर इसमें प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में है तो वो अपने हिसाब से, लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं लिखेगा तो नंबर दे देंगे। इसलिए उसको लिखना भी पड़ेगा, अपने स्तर से लिखना पड़ेगा। लेकिन विश्वविद्यालय किसी भी होनहार विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उच्च शिक्षा इस बात की ध्यान रखेगा कि मूल्यांकन में 50% का आधार रहेगा और बहुत सहजता के साथ ये परीक्षा होगी। और चूंकि घरों में अपनी अपनी परीक्षा होगी तो किसी को कोई कोरोना का संकट वाली बात भी नहीं रहेगी। सारे पेपर वो घर से जाकर दे सकते हैं। ये प्लेन डिग्री कोर्स में तो हमने डिसाइड किया है, टेक्निकल के लिए अलग से अनाउंस किया, वो अपने ढंग से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से BA BCom BSc ये जो हमारे सामान्य डिग्री कोर्स है और हमारे हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम का तरीका हमने डिक्लेयर कर दिया है। और उसके एग्ज़ाम के मामले में अब हमको कुछ नहीं कहना, बहुत आराम से एग्ज़ाम हमारी संपन्न होगी। और इसी के साथ साथ आने वाले नवंबर से जो नया सत्र चालू होने वाला है, क्योंकि मार्च में सेशन पूरा हो जाएगा तो हम इस आधार पर एक दूसरा भी विचार कर रहे हैं कि सेशन को छोटा करें और परीक्षा का कौन सा तरीका हो सकता है दोबारा हम इसके बारे में प्रेस लेके अनाउंस करें। सर, यहाँ पर बहुत समय से छात्र छात्राओं की एक तो MSc क्लासेस की मांग रही है तो दूसरी लॉ क्लासेस की, तो इसके लिए अभी आपको डिमांड पत्र भी दिया है तो इसके लिए आप क्या प्रयास? तो मैं इस मामले में लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ विद्यार्थियों की संभावना है, जहाँ से स्वस्थ और अच्छा शैक्षणिक माहौल है, वहाँ पर जो जो डिमांड उन्होंने की वो सब पूरी करें। ये अलग बात है कि अब मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्तमान के दौर में जो नए कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्स को करने से विद्यार्थियों का भविष्य ज़्यादा अच्छे से उनका प्लेसमेंट हो सकता है, आगे उनका भविष्य उज्ज्वल होता है, वो सारे कोर्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ विद्वानों को लेकर के एक हमारी बड़ा एक सागर भी हाथ पीछे करो आयोजन भी होने वाला है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के साथ नए कोर्स कौन कौन से खोलना चाहिए और उस पर हम काम करने वाले हैं। उसमें बड़वा के लिए भी मुझे ध्यान में आया, इसमें जरूर काम करेंगे। अभी जो बिल्डिंग आधी बनी है इसके ऊपर और की डिमांड भी बताइए तो उस बिल्डिंग को कितनी जल्दी पूरा करा लें और बाकी भी बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम में आए इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सर, अभी आपने निरीक्षण में देखा कि यहाँ खेलकूद की गतिविधियाँ बहुत सीमित रूप से छात्र भाग ले सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप चाहते घोषणा स्टेडियम के लिए कुछ भी यहाँ पर करना है इस मैदान में, जिससे छात्र छात्राओं की जो प्रतिभा उसको निभाने का अवसर मिले। देखिए, ये बड़ा थोड़ा सा बारीक अंतर है इस मामले में। खेलकूद का स्टेडियम आमतौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन खेलकूद की गतिविधि कॉलेज कैंपस में चलना चाहिए। कॉलेज कैंपस की अपनी एक अलग एक्टिविटीज है, तो यहाँ से जुड़े हुए जो जो भी इनको आवश्यकता होगी वो हम सब कराएंगे। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से तालमेल करके वो कोई स्टेडियम बनाते हैं तो मुझे समर्थन करने में, उनको मदद करने में मज़ा आए। सर, आगामी भवन निर्माण को लेकर आपने क्या आदेश दिए हैं प्राचार्य में? मैंने कहा कि मैं अभी जो कि सर्वे करने वाला हूँ 2 अगस्त से लगाकर 8 अगस्त तक लगातार प्रदेश के सभी संभागों का, तो उसमें जो जो इनकी आवश्यकता होगी वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। जैसे जितनी इनकी छात्र संख्या है,
छात्रों के लिए जो जो क्लासरूम की आवश्यकता है, अगर ये 8 नीचे बन के तैयार हो रहा है तो 6 और इनने कहा उसकी मंजूरी आई है तो फंड नहीं आया, फंड उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा भी जो जो भी मांगेंगे सब देने को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।